तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रज्वल रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली गाइस, आज हमारे पास आ चुका है लूम सोलर की तरफ से एक सोलर पैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम गाइस जो इस सोलर पैनल की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेस्टिंग वेस्टिंग सब करने वाले। काफी मजा आने वाला इस वीडियो के अंदर। अगर गाइस आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑप्शन जरूर से कर लेना, ठीक है। और अभी गाइस जो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30, अभी मैं जो सुबह के 6:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे आपके लिए ये जो वीडियो है इसकी अच्छे से टेस्टिंग करके दिखानी है। तो अगर मैं दोपहर को वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बनाते बनाते शाम हो जाएगी, तब धूप कम हो जाएगी। तो अभी के हम इसको फुल धूप पे टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, काफी मजा आने वाला है। तो चलो फटाफट से पहले हम जो है इसकी ये जो पन्नी है इसको हटा लेते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। तो इसको गाइस मैंने जो पहले पन्नी के अंदर से निकाल लिया ताकि गाइस आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये आ चुका है हमारे पास गाइस लूम सोलर का सोलर पैनल। और ये गाइस जो लूम सोलर जो कंपनी है ये इंडिया की नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग सोलर की कंपनी है, ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है। तो चलो अभी हम इसको पहले बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये टेप लगी हुई है तो इसको हम हटा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने टेप निकाल दिया है और अभी गाइस हम इसको सोलर पैनल को निकालेंगे इसके अंदर से बाहर। तो ये गाइस हमारे पास आ चुका है लूम कंपनी का सोलर पैनल। गाइस ये जो सोलर पैनल है ये 10 वोल्ट का है, और गाइस हम इससे मैक्सिमम एम्पियर कितने ले सकते हैं, कितनी वोल्टेज ये हमें देगा, तो सब टेस्ट करने वाले हैं। और गाइस इस जो सोलर पैनल का जो वेट है वो लगभग 1 किलो के आसपास है। और गाइस इस सोलर पैनल की पूरे के पूरे 25 साल की वारंटी है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। और गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये जो फ्रेम यहाँ पे लगे हुए हैं ये गाइस एल्यूमिनियम के हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गाइस ये जो है मजबूत है, ठीक है गाइस। अगर इसके ऊपर हम ऐसा खड़े भी हो जाएंगे ना इसके फ्रेम के ऊपर, तब भी ये फ्रेम नहीं टूटने वाला। ये बीच से तो शायद टूटे गई क्योंकि बीच से पतला होता है, बट गाइस ये जो फ्रेम की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस जो है फ्रेम की, ठीक है। तो ये काफ़ी मजबूती से बनाया गया इसको। तो चलो अभी गाइस मैं आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है और आप इसको पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हो, बट मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ। तो मैक्सिमम पावर गाइस हम इसे ले सकते हैं 10 वाट की, और मैक्सिमम पावर वोल्टेज ले सकते हैं इससे 20 वोल्ट की, और मैक्सिमम पावर जो करंट है इसका ये 0.5 एम्पियर है, और शॉर्ट सर्किट जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 0.6 है, एंड ओपन सर्किट वोल्टेज जो है इसकी 24.8 वोल्ट है, एंड मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज जो है इसकी 600 वोल्ट है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, और बाद में हम प्रैक्टिकल भी टेस्ट इसका अच्छे से करने वाले हैं। चलो अभी के समझो यहाँ पे वायर लगा लेते हैं, तो काफी बड़े वायर ले रहा हूँ ताकि हम अच्छे से जो टेस्टिंग कर सके। तो यहाँ पे लगेंगे गाइस वायर, तो इस ढक्कन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, स्लाइड होकर निकल जाता है कुछ इस टाइप से। और अभी के हम इसके ये जो स्क्रू है ये ढीले करेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से। यहाँ पे गाइस हम जो है वायर कुछ इस टाइप से ऐसे इसके अंदर लगा सकते हैं। अभी गाइस इसका जो स्क्रू है वो अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि वायर निकल ना जाए। तो गाइस मैंने जो है बॉक्स के अंदर वायर लगा लिया आउटपुट लेने के लिए। और गाइस यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि धूप कितनी ज्यादा तेज आ गई है, ठीक है। तो अभी टाइम है गाइस इसका असली टेस्ट लेने का, ठीक है, और देखने वाले हम ये कितनी मैक्स वोल्टेज दे सकता है। और चेक करने के लिए गाइस ये रहा मेरे पास मल्टीमीटर, और गाइस इससे हम चेक करने वाले हैं कि ये अभी कितनी वोल्टेज दे रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको इसके जो वायर है वो यहाँ पे इस मल्टीमीटर के वायर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी गाइस मैं इसको इस मल्टीमीटर को करता हूँ ऑन, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 20 पे सेट, ठीक है। और जैसे कि गाइस मैंने इसको 20 पे सेट करा तो ये 20 से भी गाइस जो है ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये जो है मतलब यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि इसने जो है ये जो 20 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। तो चलो अभी मैं गाइस इसको 200 पे सेट करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 200 पे सेट इसको करा तो ये हमें वोल्टेज शो करने लग गया। तो ये गाइस 23 वोल्ट से भी ज़्यादा की वोल्टेज हमें दे रहा है आउटपुट, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि इससे गाइस हम मोटर वगैरह, लाइटिंग वगैरह, स्ट्रिप लाइट वगैरह चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो वो हम सब देखने वाले हैं, तो काफ़ी मजा आने वाला है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमें पता चल गया कि ये 24 वोल्ट अभी दे रहा है इतनी तेज धूप के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम अपनी वोल्टेज अभी दे रहा है। तो ये है गाइस मेरे पास अभी एक मोटर, और जो कि गाइस 12 वोल्ट की है, तो इसको मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। और ये गाइस जो मोटर है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अभी गाइस जैसे मैं सोलर पैनल का दूसरा वायर यहाँ पे मोटर के साथ लगाता हूँ, तो ये गाइस हमारी मोटर चल चुकी है काफी स्पीड के अंदर। और देख सकते हो गाइस इसकी जो स्पीड है ये कितनी ज्यादा है, देख सकते हो कैमरे में, आपको शायद उतनी अच्छे से गाइस आपको नहीं पता चले इसकी स्पीड, बट गाइस ये जो है रियल में काफी स्पीड से मोटर चल रही है, देख सकते हो यहाँ पे।
अपनी फुल स्पीड पे गाइस ये जो मोटर है ये चल रही है सोलर पैनल से, कोई भी बैटरी वैटरी नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट गाइस सोलर पैनल से चल रही है। तो गाइस आपने ये तो देख लिया कि ये हमारी मोटर को 12 वोल्ट की मोटर को काफी अच्छे से और काफी स्पीड से चला रही है। तो चलो अभी गाइस हम इस सोलर पैनल से एक LED स्ट्रिप लाइट को जला के देखते हैं। गाइस इसकी बाकी टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सोलर पैनल आपको मिलेगा कहां पे। तो ये गाइस जो सोलर पैनल है ये आपको मिलेगा लूम सोलर की वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप इस सोलर पैनल को बाय कर सकते हो और आपको जो है उस वेबसाइट के ऊपर, लूम सोलर की वेबसाइट के ऊपर, आपको 10 वाट का, 20 वाट का, 50 वाट का, 125 वाट का से भी ज्यादा वाटेज के आपको सोलर पैनल वहां पे मिलेंगे। और भी गाइस कई तरीके का आपको सामान वहां पे मिल जाएगा लूम सोलर का, ठीक है। तो एक बार चेक जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार चेक जरूर से कर लेना, ठीक है। तो ये गाइस मेरे पास स्ट्रिप लाइट जो कि गाइस नॉर्मल वाली नहीं है, ये है गाइस RGB वाली स्ट्रिप लाइट, ठीक है। मतलब इसके अंदर अलग अलग कलर के जो है लाइट जलते हैं, तो मैं आपको जो है जला के भी दिखा देता हूँ। तो जैसे गाइस यहाँ पे इसका नेगेटिव है, तो इसको मैं इस स्ट्रिप लाइट के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और अभी जैसे गाइस यहाँ पे मैं इसका जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट करूंगा, तो गाइस ये हमारी लाइट चल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर कितने सारे गाइस जो है कलर जल रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो। आपको धूप में इतने अच्छे से ना पता चले, बट गाइस ये जो है काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं अपनी फुल रोशनी के ऊपर, बहुत ही ज्यादा रोशनी कर रहे हैं। तो काफी अच्छी तरीके से गाइस ये हमारी इस स्ट्रिप लाइट को भी जला पा रहा है हमारा सोलर पैनल, ठीक है। तो अभी गाइस मैं आपको इस सोलर पैनल से चला के दिखाने वाला हूँ इतनी बड़ी वाली स्ट्रिप लाइट, जो कि गाइस 12 वोल्ट की है। तो हम देखने वाले हैं ये इसको भी चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पे गाइस ये इसका इसके अंदर यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए सॉकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे भी गाइस मैंने जो है इस सोलर पैनल के वायर के ऊपर जो है यहाँ पे सॉकेट लगा लिया, जो कि फीमेल है और यहाँ पे फीमेल है। तो दोनों को यहाँ पे जैसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये गाइस हमारा ये जो लाइट है ये चल रही है, देख सकते हो। आपको धूप के अंदर तो इतने अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट ये वैसे गाइस काफी ज्यादा रोशनी कर रही है, और कैमरे के अंदर भी इतने अच्छे से पता नहीं चलता लाइटिंग का, बट ये रियल में सच में काफी ज्यादा ब्राइटनेस कर रही है, देख सकते हो। यहाँ पे सारी लाइटें चल रही है, देख सकते हो, ये पूरी जो है जितनी भी ये लेंथ है सारी की सारी जल रही है, देख सकते हो। और गाइस हम इससे इतनी बड़ी स्ट्रिप लाइट को चला सकते हैं, तो सोचो हम इसे क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग तरह के कितने सारे प्रोजेक्ट इससे बना सकते हैं। और गाइस हम इस सोलर पैनल से जो 775 555 मोटर को भी काफी इजीली इससे चला सकते हैं। फिलहाल मेरे पास गाइस 775 555 मोटर नहीं है, अगर होती तो गाइस मैं आपको जरूर से इसको इससे जो चेक करा के दिखाता हूं, चला के दिखाता अच्छे से, बट फिलहाल मेरे पास नहीं है। बट इससे हम काफी आसानी से 775 और 555 मोटर को काफी इजीली चला सकते हैं, ठीक है। और गाइस मैं आपको आने वाले टाइम में इस सोलर पैनल से काफी अच्छे वाले काफी तगड़े वाले आपको बना के दिखाने वाला हूं। और मैंने आपको काफी सारी चीजें इससे चला के दिखाई, सभी को काफी अच्छी तरीके से चला पा रहा है, ठीक है। और अभी हम इससे बहुत ही सारी चीजें चला सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो काफी मजा आएगा आने वाली वीडियोस के अंदर, तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर लेना। और अगर कहीं से आप इस सोलर पैनल को खरीदना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस सोलर पैनल को खरीद सकते हो। और आपको लूम सोलर की वेबसाइट के ऊपर और भी काफी तरह तरह के काफी तगड़े वाले सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 10 वाट का, ये आपको 20 वाट का, 50 वाट का, 125 वाट का, उससे भी ज्यादा वाटेज के आपको सोलर पैनल वहां पे मिल जाएंगे। और भी गाइस लूम सोलर का जो है तरफ से आपको काफी सारा सामान भी वहां पे मिलेगा। तो अगर गाइस आप देखना चाहते हो तो लूम सोलर की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जो है विजिट जरूर करना, ठीक है, और एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।